फंडिंग के मामले में नईम ब्रदर्स एंड सन्स के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर एटीएस ने की जांच, कुछ लोगों को भी लिया गिरफ्त में। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा गोरखपुर, योजना के संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने दी विस्तृत जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा, 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की होगी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 81 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर दी गई विदाई। रिटायर शिक्षकों के सम्मान में भेदभाव का आरोप लगाकर शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा, सम्मान में नहीं होगा भेदभाव। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ के सदस्यों ने बेचा चाय पकौड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर डीहराज मंदिर आयन नगर से निकाली गई भव्य पद यात्रा। पटेश्वरी मंडी साहबगंज में 50 साल पुराना पेड़ आधी में गिरा, सब्जी विक्रेता हुए दुखी। श्री सालासर हनुमान जयंती के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से निकाली गई भव्य मनोकामना पूर्ण पद एवं शोभा यात्रा। श्री साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर जजेस कंपाउंड से निकली भव्य पालकी शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के महोत्सव पर किया गया महाप्रसाद का वितरण, प्रसाद पाकर गदगद हुए श्रद्धालु। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सेवा हुए शिक्षकों को दी गई विदाई, समारोह में किया गया सम्मानित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जारी है मनमाना रवैया, हितों के टकराव का मामला आया सामने। बीसीसीआई के नियमों की जीसीए लगातार उड़ा रहा है धज्जियां।